पेड़ों से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे पेड़ दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप कहेंगे कि कुदरत से सुंदर कुछ नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे पेड़ भी हैं जिन्हें देखकर विश्वास नहीं होता कि कुदरत का ऐसा रूप संसार में है। तो ले चलते हैं आपको अजीबोगरीब नस्ल के पेड़ों की ऐसी दुनिया में जिसे देखकर आप कह उठेंगे, अजब है गजब है। क्रूकेड फॉरेस्ट ऑफ ग्राइफिनो। अब इस पेड़ को देखिए जो एक ही शेप में उगे हुए हैं। आज तक ये राज कोई नहीं जान पाया कि इस तरह से ये पेड़ क्यों लगाए गए हैं। ये सारे पेड़ 1930 में ही लगाए गए थे, लेकिन जब 1939 में दूसरा वर्ल्ड वार शुरू हुआ तब इस तरह के पेड़ लगाना लोगों ने बंद कर दिए। लोगों ने ये पेड़ क्यों लगाया और ऐसा ही क्यों लगाया आज भी इसका पता नहीं चल पाया। सेकुआ ट्री। ये विशालकाय पेड़ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये अपनी लंबाई और चौड़ाई के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। इन पेड़ों के नाम पर कैलिफोर्निया में एक नेशनल पार्क भी है जहां इन पेड़ों की देखभाल की जाती है। ये पेड़ इतने लंबे होते हैं कि अगर आप इनके नीचे खड़े हो तो आपकी हाइट इनकी जड़ तक भी ना पहुंचे। जबू टीबका। इस पेड़ को जानने के बाद आपका दिल इस पेड़ को देखने को जरूर करेगा, क्योंकि ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। जी हाँ, आमतौर पर फल टहनियों पर लगते हैं, लेकिन ये पेड़ ऐसा है जिसके फल टहनियों पर नहीं बल्कि तने पर उगते हैं। ये पेड़ अंगूर की प्रजाति का ही एक पेड़ है और इसमें काले अंगूर जैसे काले फल इसके तने पर लगते हैं। ये पेड़ ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू जैसे देशों में ही पाए जाते हैं। इसके फलों से वाइन बनती है। ड्रैगन ब्लड ट्री। ये पेड़ अफ्रीका के कैनरी आइलैंड में पाया जाता है। इस पेड़ को देखिए, ये बिल्कुल बड़े से मशरूम की तरह ही दिखता है ना? लेकिन इस पेड़ का नाम और काम दोनों मशरूम से बिल्कुल अलग है। इस पेड़ का नाम है ड्रैगन ब्लड ट्री। अब बात करते हैं इस पेड़ से जुड़े फैक्ट की, जिसे सुनकर शायद आप डर जाएं। दरअसल इस पेड़ को जब काटा जाता है तो इसमें से ब्लड निकलता है। जी हाँ, आपने सही सुना, इस पेड़ के कटे हुए भाग से लाल रंग का लिक्विड निकलता है। लोग इसका इस्तेमाल डाई और कलर बनाने के लिए करते हैं। तो केनियोस के साथ कैसा लगा आपको आश्चर्यजनक पेड़ों का ये रोमांचित सफर।